A single act of unthinkable evil. What happened? I saw it. Take your picture to the cops. मूवी की शुरुआत होती है लियोन से, जो एक फोटोग्राफर होता है, लेकिन उसे अपना टैलेंट प्रोफेशनली शो करने का मौका नहीं मिला होता और वो सिटी में मौजूद मुख्तलिफ लोगों के पिक्चर्स खींचता रहता है। फोटोग्राफी करके वो घर जाता है तो उसकी वेट्रेस गर्लफ्रेंड माया उसे बताती है कि उसने उनके म्यूचुअल फ्रेंड जर्गिस से बात की है और उस फ्रेंड ने आर्ट गैलरी ओनर सूजन से कॉन्टेक्ट किया है, जिससे लियोन अपनी फोटोज खाएगा तो वो उसे आर्ट गैलरी में लगवा देगी। अगले दिन लियोन जर्गिस के साथ सूजन को मिलने जाता है तो सूजन उसकी फोटोज देखकर उसे क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि वो अपनी पिक्चर्स के लिए ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा और जब वो ऐसा करेगा तभी वो सूजन के पास आए। लियोन ये सब सुनकर सैड होता घर चला जाता है। माया उसे तसल्ली देती है और वो दोनों सो जाते हैं। उनके सोते हुए लियोन की आँख खुलती है तो मिडनाइट होती है और वो फोटोज लेने के लिए तभी घर से निकल जाता है और सिटी में घूमता हुआ फोटोज लेने लग जाता है, जो खींचते हुए ही उसे तीन थग्स दिखते हैं, जिस पर लियोन को रिस्क वाली बात याद आती है और वो उनका पीछा करता है। वो उनके पीछे एक अबैंडन्ड स्टेशन तक जाता है जहां वो एक लड़की को हरास कर रहे होते हैं, जिसकी लियोन पिक्चर्स ले लेता है और लड़की के देखने पर वो थग्स को आवाज देता रोकता है और साइड पर सर्वेलेंस कैमरा दिखाता है, साथ ही वो उनकी मुसलसल पिक्चर्स लेता रहता है। वो थग्स वहाँ से भाग जाते हैं तो लड़की लियोन का थैंक यू करती अपनी ट्रेन के लिए स्टेयर्स उतरती चली जाती है और लियोन उसके ट्रेन में जाने तक पिक्चर्स लेता रहता है। फिर वो ट्रेन के वहाँ से जाने पर चला जाता है, जबकि लड़की ट्रेन में बैठी होती है कि वो शख्स जिसने उसके लिए ट्रेन का दरवाजा रोका था, जिसका नाम महागनी है, वो लड़की के पास आता है और उसे हिट करता है, जिससे वो मर जाती है। अगली सुबह लियोन पिक्चर्स को इनहांस करके माया के डाइनर जाता है, जहां वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि उसे न्यूज़पेपर में लड़की के बारे में न्यूज दिखती है कि वो एक मॉडल थी और वो रात से मिसिंग है, जिसे पढ़कर लियोन को लगता है कि उसे थग्स ने ही किडनैप किया होगा, इसलिए वो अपनी पिक्चर्स लेकर पुलिस ऑफिसर हैडली के पास जाता है, जो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और समझती है कि वो लड़की का स्टॉकर था जिसने उसकी पिक्चर्स ली थी। लियोन पुलिस स्टेशन से निकलकर पिक्चर्स सूजन के पास लेकर जाता है, जो उससे बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि वो अगर ऐसी दो पिक्चर्स ले आए तो उसको आर्ट गैलरी में शामिल कर लेगी। लियोन ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो जर्गिस और माया के साथ अपनी अपकमिंग सक्सेस सेलिब्रेट करता है और फिर वो पिक्चर्स लेने के लिए सिटी में निकल जाता है। उधर ट्रेन में दो मेल और एक फीमेल खड़े बातें कर रहे होते हैं कि महागनी उन पर अटैक करता है और तीनों को बारी बारी अपने टूल से हिट करता मार देता है और जब वो अपना काम पूरा करके स्टेशन से बाहर निकलता है तो बाहर बैठा लियोन उसकी पिक्चर्स लेने लग जाता है और वो उसे सस्पिशियस समझकर उसका पीछा करता जाता है, जिसका पता महागनी को चलता है तो वो उसे रोकता है, जिस पर लियोन उसके हाथ पर रिंग देखता हुआ उससे बहाना कर देता है। महागनी उसको छोड़कर चला जाता है और लियोन भी घर आ जाता है, जहां वो पिक्चर्स इनहांस कर रहा होता है तो उसकी नजर लड़की की पिक्चर पर पड़ती है, जिस पर ट्रेन का दरवाजा रोकने वाले के हाथ पर लियोन को वही रिंग दिखती है जो महागनी के हाथ पर थी, जिस पर लियोन को उस पर मजीद शक होता है। वो अगले दिन महागनी के घर से निकलने पर उसका पीछा करता है और वो स्लॉटर हाउस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि महागनी एक बुचर है और लियोन उसकी सारे दिन पिक्चर्स लेता रहता है। लियोन रात होने पर उसके पीछे स्टेशन तक भी जाता है, जहां वो देखता है कि महागनी मिडनाइट तक स्टेशन में ही बैठा रहता है और जैसे ही लास्ट ट्रेन आती है वो उसमें चला जाता है, जिस पर लियोन भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन एक ऑफिसर उसे रोक देता है। महागनी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है, जहां एक पैसेंजर उसके पास आता है तो महागनी उस पर अटैक करता है, जिसके जवाब में वो शख्स रिटेलिएट करता है, साथ ही महागनी को इंटरनल पेन हो रही होती है इसलिए वो हार रहा होता है। तभी कंडक्टर वहां आता है और पैसेंजर को शूट कर देता है। कंडक्टर के जाने के बाद महागनी पैसेंजर को उठाकर बाकी ह्यूमन बॉडीज के साथ ट्रेन की हुक्स पर लटका देता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन से
निकलकर घर चला जाता है, जहां वो अपनी बॉडी से कुछ वियर्ड उतारकर बॉटल में डाल देता है और कुछ पिल्स भी लेता है। सुबह होने पर वो स्लॉटर हाउस जाता है तो वहां लियोन बुचर के डिस्गाइज में उसके पीछे जाता है, क्योंकि उसने महोगनी के बारे में सर्च किया था तो उसे पता चला था कि महोगनी अपने स्लॉटर हाउस से ही कुछ सालों पहले किलिंग्स के केस में पकड़ा गया था। और लियोन ये पढ़कर ही महोगनी के पीछे आया, उसकी पिक्चर्स ले रहा होता है कि उसे वो नजर आ जाता है, जिस पर लियोन उससे भागता है। महोगनी उसके पीछे नाइफ और हुक लेकर आता है तो लियोन उससे छुपता रहता है, और जब महोगनी उसके करीब आता है तो लियोन फौरन वहां से भाग जाता है और वो डाइनर जाता है, जहां वो पहली दफा मीट खाता है, जिस पर जर्गिस भी हैरान हो जाता है। लियोन डाइनर से घर आकर लड़की की केस को सॉल्व करने से ऑब्सेस्ड हुआ सारी सर्च करता है, जिसके दौरान माया घर आती है तो वो उसे महोगनी की पिक्चर्स, बुचर के बारे में न्यूज और लड़की की पिक्चर्स दिखाए पूरी स्टोरी बताता है कि ट्रेन स्लॉटर हाउस के नीचे से गुजरती है और उसमें महोगनी लोगों को मारता है, इसीलिए पिछले 3 साल से लोग मुसलसल मिसिंग हो रहे हैं, लेकिन उनकी दोबारा कोई खबर नहीं आती। माया लियोन का ऑब्सेशन देखकर उसकी स्टोरी को गलत कहती है और उसे केस को छोड़कर बाकी चीजों की फोटोग्राफी करने का कहती है, जिसमें पहले वो खुद होती है और लियोन उसको खुश करने के लिए उसके पिक्चर्स लेने लगता है। उसे महोगनी के बारे में फ्लैशबैक्स आते हैं, इसलिए वो पिक्चर्स नहीं ले पाता, जिस पर सैड हुई माया अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन माया डाइनर में काम कर रही होती है तो लियोन उससे बात करने आता है, जिसके दौरान लियोन को डाइनर के पास महोगनी खड़ा दिखता है, जिस पर वो डाइनर से निकलता कैमरा लिए उसके पीछे जाता है और उसके साथ ट्रेन में चला जाता है। ट्रेन में डिफरेंट बॉक्सेस में बैठे हुए लियोन महोगनी पर नजर रखता है और वो देखता है कि लास्ट स्टॉप पर दो लोग ट्रेन में आते हैं तो महोगनी उन्हें अपने टूल से मार देता है और उनकी आईज और टीथ निकाल देता है और उनके बाल काट देता है, और इन सब की लियोन फोटोग्राफ खींच लेता है। महोगनी लियोन को देखता है तो लियोन उससे भागता है, लेकिन आखिर में महोगनी उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। लियोन की जब आंख खुलती है तो वो स्लॉटर हाउस में होता है, जहां से फौरन निकलता घर आता है और उसे बाथरूम जाने पर अपनी चेस्ट पर अजीब सिंबल बने दिखता है, जिसे देखकर माया बहुत परेशान होती है, जिस पर लियोन उसे सब कुछ बता देता है। साथ ये भी बताता है कि वो पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि महोगनी उसका कैमरा ले चुका है। माया उसकी बात पर यकीन करती एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है कि वो उसे रोक देता है और सोने चले जाता है, जबकि माया उसकी पिक्चर्स के पास खड़ी होती है, जब उसकी नजर एक पिक्चर पर पड़ती है जिसमे महोगनी एक होटल में जा रहा होता है। माया जर्गिस को लेकर उस होटल जाती है ताकि वो लियोन का कैमरा ढूंढ सके, और वो दोनों महोगनी के रूम से निकलने पर अंदर जाते हैं और रूम के अलग कॉर्नर्स पर कैमरा ढूंढने लग जाते हैं, जिसके दौरान महोगनी घर वापस आकर जर्गिस को हिट करता मार देता है, जिसकी आवाज माया को आती है तो वो लिविंग रूम में आती है, जहां उसे महोगनी का बैग दिखता है, जिससे वो उसकी बुक निकालती है जिसमें 3 साल की किलिंग्स का शेड्यूल लिखा होता है, और वो उसे छुपा देती है। फिर वो जर्गिस को ढूंढने जाती है, लेकिन उसके ना मिलने पर माया वहां से भाग जाती है। वो सीधा पुलिस ऑफिसर हैडली को जाकर जर्गिस के रूम से मिसिंग होने की रिपोर्ट करती है, लेकिन हैडली कहती है कि महोगनी के मुताबिक वो पूरे दिन घर से बाहर था। साथ ही वो माया की स्टोरी को झूठ कहकर उसे महोगनी की बुक वापस करने को कहती है, जिस पर माया कहती है कि वो बुक उसके पास नहीं बल्कि जर्गिस के पास थी, और वो हैडली के कोऑपरेट ना करने पर वहां से चली जाती है। वो उधर से डाइनर जाती है, जहां वो अपनी गन लेती है और बाहर निकलकर लियोन को कॉल करती है, जर्गिस के गायब होने का बता रही होती है। तभी वहां हैडले आती है, जो उसे पूछने पर बताती है कि जर्गिस ट्रेन पर है, और माया उसे बचाने स्टेशन जाती है, जहां वो ट्रेन पर सवार हो जाती है। दूसरी तरफ लियोन आर्ट गैलरी में अपनी ली पिक्चर्स देख रहा होता है तो उसमें उसे महोगनी वाली पिक्चर दिखती है, जिसे देखते हुए उसे अपना ऑब्सेशन फिर से याद आता है, जिस पर वो स्लॉटर हाउस जाता है, जहां वो बुचर्स के टूल लेता है और उस जगह वेट करने लग जाता है जहां से ट्रेन गुजरती है। और जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो उसे ट्रेन में माया दिखती है, जिस पर वो ट्रेन से लटक जाता है। इधर माया को हुक्स पर लटके लोग मिलते हैं, जिनमें जर्गिस भी होता है, और माया उसे हुक से उतारने की कोशिश कर रही होती है कि महोगनी उसकी आवाज सुनकर वहां आता है, जिस पर माया उसे भी शूट करती है, लेकिन उसकी बुलेट्स मिस हो जाती हैं, जो देख के वो वहां से भागने लगती है कि महोगनी उसे टूल से मार कर गिरा देता है। फिर वो उसके करीब आकर उसे मारने लगता है कि लियोन वहां आ जाता है। लियोन और महोगनी में लड़ाई होती है, जिसके बीच में वो लोगों के बॉडी पार्ट्स भी यूज करते जाते हैं, और लियोन महोगनी की स्ट्रेंथ का मुकाबला करता उसे ट्रेन से नीचे गिराता मार देता है, और फिर माया के पास जाता है। वो
दोनों बचने पर खुश हो रहे होते हैं कि ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है, जिस पर कंडक्टर उनके पास आता उन्हें मीट से दूर रहने का कहता चला जाता है। और वो दोनों देखते हैं कि कोई वियर्ड क्रिएचर आकर लटके लोगों को खा रही है, जिस पर वो दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। स्टेशन के करीब जाने पर उन्हें अभी भी जिंदा महागनी मिलता है, जिस पर लियोन से लड़ने लग जाता है और लियोन पास पड़ी बोन्स में से एक बोन उठाकर उसकी नेक में घुसाता मार देता है। तभी वहाँ कंडक्टर आता है जो लियोन की टंग निकाल कर खा लेता है और उसे बताता है कि ह्यूमंस के बॉर्न होने से पहले क्रिएचर्स वहाँ रह रहे थे, जिनको मिडनाइट में लोगों का खाना खिलाने की ड्यूटी बुचर की थी, ताकि सुबह क्रिएचर्स लोगों को ना खा सके। कंडक्टर लियोन के सामने बेहोश की माया के पास जाता है और उसकी चेस्ट काट कर अंदर से हार्ट निकाल लेता है और लियोन को दिखा कर कहता है कि अब वो उनके लिए बुचर बनेगा। मूवी के लास्ट सीन में किसी शख्स को हैडली सबवे का शेड्यूल देती है और वो शख्स महागनी जैसे कपड़े और रिंग पहने ट्रेन में जाता है, जहां फर्स्ट सीन के मुताबिक ये शख्स सो रहा होता है और बुचर की शक्ल देखने पर वो लियोन निकलता है। यही मूवी एंड हो जाती है।